तो गाइस हम लोग यहाँ पे विपत्नाशिनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं आज दीदी मैं और गीता मिलके। और दीदी के घर पे आज विपत्नाशिनी पूजा किया जाएगा और यहाँ पे आम पत्ता प्रसादी और बेलपत्र नारियल भोग का प्रसाद और पंचदेवता को भी प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पे 13 किस्म का फूल लिया गया है, 13 तरह का फूल, क्योंकि ये विपत्नाशिनी की पूजा पे जो फूल फल और आम पत्ता ये सब चढ़ता है वो गिन के चढ़ाया जाता है, तो हमने 13-13 करके लिया है सब कुछ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे। और मैं अभी दीदी के घर से मेरा वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ। अभी बज रहे दिन के 12 और यहाँ पे दीदी विपत्नाशिनी पूजा देने के लिए तैयारी की है, तो दीदी के पास मैं भी उपवास बैठी हूँ, पूजा करूँगी दीदी के पास। तो चलिए कैसे हम लोग विपत्नाशिनी का पूजा करते हैं वो देखते हैं, और आगे पूरा बने रहिए, पूजा कैसे होता है आप लोग को ये पता चल जाएगा। और जो जो मेरे ब्लॉग पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। तो चलिए पूजा कैसे करते हैं वो देखते हैं। विपत्नाशिनी माता जी की फोटो भी लगा दिया गया है, पाचाली पड़ेंगी दीदी। और यहाँ पे पंचमित की तैयारी की गई है, फूल भी चढ़ा दिया गया है, तो सब सामग्री दीदी ने के लिए तैयार कर लिया है। दीदी घट सजाने के लिए आम पत्ता की गिनती कर रही है, बेजोड़ होना है आम पत्ता यहाँ पे घट पे रखेंगी। तो चलिए अभी घट की तैयारी करते हैं। मैं अभी घाट सजाने लग गई और घाट में आम पत्ता बेल पत्ता और दुब्बा है, उसको सिंदूर लगाना है। और दीदी ने 13 आम पत्ता बेल पत्ता दुब्बा ये सब तैयार किया है, मैं उसको सजा के घाट बिठाऊंगी। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं माता विपत्नाशिनी की घाट स्थापन करूं। और उसके बाद आप सब जो जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, माता विपत्नाशिनी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। और ये माता की विपत हरने वाली माता होती है, तो मैंने जब बाबू पेट में था तब मैंने ये पूजा करूँगी बोल के बोला था, पर मुझे वो उतना मौका नहीं मिला। तो इस बार जब दीदी बिठा रही है तो दीदी के पास मैं बैठ के ये पूजा शुरू करने जा रही हूँ, और दीदी के कहे अनुसार मैं पूजा में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं पूजा कैसे करते हैं, तो दीदी से पूछ के मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर जो प्रसाद सजा हुआ है ये पंचदेव का प्रसाद भी लगते हैं, वहाँ पर 5 जगह पर फल फूल और फल प्रसाद लगा के पान भी लगाते हैं। और यहाँ पे 13 किस्म का फूल है, इतने खूबसूरत फूल है देखिए। तो चलिए अभी मैं घर स्थापना करती हूँ। आज पहली बार मैंने विपत्नाशिनी माता का पूजा किया है और घट भी स्थापन किया है। दीदी के कहे अनुसार मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो माता विपत्नाशिनी आप सबका कष्ट दूर करे, और विपत हरने वाली माता है ये। घट बिठाने के बाद मैं फूल लेके अच्छी तरह से घट को चारों ओर से फूल से सुंदर से सजा लूँगी। घट सजाने के बाद पूजा की और भी थोड़ा थोड़ा सामग्री है उसको तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद आज पाचाली पढ़ा जाएगा, बंगाली में है पाचाली, दीदी ही पढ़ेंगी विपत्नाशिनी का। तो चलिए पाचाली भी पढ़ते हैं, आगे ब्लॉग पर बने रहिए आप सब। चलिए गाइस, मैं अभी बेलपत्र फूल लेके तैयार हूँ। अभी यहाँ पे माता रानी का कथा पढ़ा जाएगा, तो कथा सुनते हैं। के जाने माता बो अंत तुम वेद तुम मेदान तो तुम जे माशा कला मंगल तुम गीता सुधा करे तनि रूप कबु दौरे सर्व जीवे करो रकन करुणा करो काले सकर न करे बोले বিবদেতে কর্মা রকন সর্ব মঙ্গল মহি তুমি কেমনে ধরিব আমি নাম তব বিপদ নাশিনি করিতে হইবে দয়া দিতে হবে পদ চায় হে দেবী সংকট নাশিনি বিপদানি কথা শুনে সর্ব জন যে কাহিনী তো করতে বিপদ মানে কথা না রাত্রি বমিতে বমিতে উপনীত হইলেন কলাশ মাঝেতে হেন কালে হর ঘরি এ বসে সিংহাসনে নানা কথা উপ নিয়ে নানা কথা নিয়ে ও বেরোয় আলাপনে দুহা চরণে সেটা নারদ নোহাল বিতে শিব সম্মুখ নারদে কহিল
असमय कन्हारी कल्ला से तैयार कहा वश विवरिया तब की बाका आज करो जोरे महामनी बोले संपूरे जिका सिदे की चुको ताय न ता भगुरे मत वासी नारी का न रे पर दु के कुन बत पालन न ता ता के सुके ओए चल दोन तारा से मोदी हम आन भी पते तक बा करे बिको तारन शिव कहे हम ने से बालाजी कैसे বিবো তাই নি বতে এই ফল বেলে সাবে পুত্র পরিজন দীর্ঘায় হওয়া আমার অনেক দেশে হইবে নিশ্চয় নার শুনিল যাবে অগর আনি শুনো পানি না ভাবি মনে গমাংস ফল পুষ্প হইব এখানে রাজ্য রাজা যে ফল পুষ্প দেবে কইতে ভগবান ফল পুষ্প পে রাজার হবে তুষ্ট মন রাজি নি তবে রানী তবে কই শুনিলেন মায়ের বাটে নিয়ে ফল পুষ্প দিল রানী রাজা জানি রাজা জানে ফল পুষ্প আরে রাজা তুষ্ট মন রানী পাশে ক্ষমা চাহ করো মারজন অন্যায় করেছি আমি শুনো গরানি বলিয়াছি কুবচন না জানি আমি এত এক শুনিয়া রানি হরসিত মন বিপদেতে বিপদ তাই নিবত পচারে তখন শুক্ল পক্ষ আষাঢ়ে নবমী মাঝে এই মত আচরিবে সবে নেই জানি যে পূর্বদিনে অবসন্ন করিবে গ্রহণ শনিবার মঙ্গলবার পূজার কারণ তেউ দশ ফলে তে পূজা সংঘ হবে স্নান করে মঙ্গলবার স্থাপন করিবে দুগ্ধ নাচ করে পূজা আয়োজন পূজাতে বসিবে সবে হয় ইষ্ট মহান পূজাবন্তে সর্বজনে প্রণাম করিবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে নিশ্চয় জানিবে বতশেষ দক্ষিণাত্ম অবশ্য করিবে নতুবা জানিবে কর্ম বিফল হইবে তেরটি গাড়িয়া রক্ত নসুতা সকলে বাদী বিবেচনা করো অন্যতা অন্তত মনে সকলে বাদী বিবেচনা করো অন্যতা মহান অন্ধেতে কহরেশি বিস্তারিয়া কারো নিহার কোথাওতে বেশি আসে এগুলো পূজা নীতি নীতি জানি আসি এ মতো নাহে রে কোথাওতে এলো আজ বুঝিবার নারী মনীষী কহিল মহিষী কহিল কেহ পূজা তারিণী পূজা অন্তন পূজা অন্তন নদী জলে ফেলে অনুমানে কন্যা ঘর মনীষীরে বৃষ্টিয়া ধরিল কহে সবে এ পূজা কেন বা হইল ইতিপূর্বে এই পূজা শুনে না একে অসবিস্তারে এ পূজা পরিচয় দ নারদ কহিল তবে কৈলাস বার্তা শুনিয়াছে সেই স্থানে না তারিণীর কথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় কৈলাস মাজারে পদ্মাদী সমাসীন শ্বেতা অন্ত পুরে বিবাহেতু নাম তার বিপদ নাসিনী শুনিবার ইচ্ছা মোর শুনিতে সে মধুর সঙ্গীত तो गाइस जैसे आप लोग ने देखा कि पूजा का समाप्त हो गया है तो मैं अगरबत्ती जलाने लग गई और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर भी बने रहे। तो हमारा पूजा आज यहीं पे समाप्त हो गया है। किस किस ने पूजा का ये ब्लॉग पूरा देखा है उस पर माता रानी की कृपा बनी रहे। पूजा समाप्त होने के बाद दीदी ने जो विपद्नाशिनी माता को जो तेल जल और सिंदूर चढ़ाया था वो सब सिर में लेने लगे और हम जो साधुआ थे वो लोग सिंदूर माथा पे लगा के और उनकी चूड़ी जो शाखा होता है उस पे लगाते हैं। तो मैं तो शाखा नहीं पहनती, पोलाश्री पहनती हूँ। तो ये नियम होता है विपद्नाशिनी पूजा का, तेल सिंदूर लेना होता है। तो अभी हम लोग पंचामृत खाने लगे। पंचामृत खाने के बाद हम लोग का उपवास जो किया था आज उपवास पूरा हो जाएगा और पूजा भी समाप्त हो गया है। अभी प्रसादी भी ले लेते हैं। तो हमारा पूजा भी खत्म हो गया, अभी हम लोग पंचामृत ग्रहण कर लिए, अभी हम लोग प्रसाद खाएंगे। तो अभी हम लोग प्रसाद खा लेते हैं। प्रसाद खाने के बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। होते ही बाबू भी उड़ गया, पूजा खत्म होते ही। तो बाबू ने भी प्रसादी खा लिया, तिल सिंदूर ले लिया और मैंने भी प्रसादी खा के चाय पी के अभी विपद्ना सिंह का पान भी खा लिया। तो मैं मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।